दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनबॉक्स में। दोस्तों, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अब फोर लेन हाईवे निर्माण में 100 करोड़ की लागत बढ़ चुकी है। हाईवे का रिवाइज एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। मार्च तक फिर से टेंडर निकाले जा सकते हैं। फिलहाल तैयारी चल रही है। हालांकि रिवाइज एस्टीमेट में 11 काम भी बड़े हैं, जिसमें पुलों की लंबाई और सर्विस रोड भी शामिल है। हरिद्वार से काशीपुर तक हाईवे को 2000 करोड़ रुपए की लागत से फोर लेन में तब्दील किया जाना है। इस परियोजना को पूरी करने का वक्त साल 2020 तक रखा गया था। हालांकि नगीना से काशीपुर तक हाईवे फोर लेन बनाते हुए टोल भी चालू कर दिया गया है। उधर हरिद्वार से नगीना तक हाईवे अब तक अधर में लटका हुआ है। नगीना से हरिद्वार की दूरी में 71 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाना था। इस दूरी में वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड अंडरपास में स्वीकृति हुई। ऐसे बाकी बची करीब 66 किलोमीटर लंबी सड़क में करीब 48 किलोमीटर तक हाईवे बना लिया गया है। बाकी जगहों पर काम आधा अधूरा रह गया है। हाईवे निर्माण में हो रही देरी और निर्माण कंपनी की हिला हवाली को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें निर्माण कंपनी को 3 महीने का वक्त दिया गया था। इसके बाद भी निर्माण में तेजी नहीं आ सकती। इसके साथ ही हाईवे प्राधिकरण ने अब तक हुए निर्माण और बाकी रह गए काम का मूल्यांकन शुरू कर दिया था। मूल्यांकन करते हुए एस्टीमेट तैयार किया गया। सूत्रों की माने तो नगीना से हरिद्वार के बीच 503 करोड़ रुपए का काम पूरा हो चुका है। पुराने टेंडर के हिसाब से 280 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा है। रिवाइज एस्टीमेट तैयार हुआ तो यह लागत बढ़कर करीब 380 करोड़ रुपए हो जाएगी। बता दें कि इसमें निर्माण सामग्री के महंगे हो जाने की लागत को भी जोड़ा गया है। रिवाइज एस्टीमेट तैयार किया गया तो समय के साथ बड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 11 नए काम शामिल किए गए हैं। इसमें एक नया काम गेंडी खाता में सर्विस रोड निर्माण भी जोड़ा गया है। वहीं स्वर्णपुर नगर पर पुल के पास नहर की सड़क को पार करने के लिए कुछ काम जोड़ा गया है। कुछ पुलों की लंबाई को भी बढ़ाया गया है। हरिद्वार में नगीना के पास 503 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, परंतु टेंडर के हिसाब से 280 करोड़ रुपए का काम बाकी है। अब रिवाइज एस्टीमेट बनाया गया है, जिसमें बाकी रहे काम में 380 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 11 नए काम भी जोड़े गए हैं। मार्च तक फिर से टेंडर हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।